हेलो एवरीवन, मैं अरबिन जेन्युइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बात करूंगा कॉलेज शिक्षा के सिलेबस के ऊपर कि आपका सिलेबस कम होगा नहीं होगा, क्या बड़ी अपडेट है सिलेबस के रिगार्डिंग इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। काफ़ी बच्चों को इंतजार है कि हमारा सिलेबस कम होगा नहीं होगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, तो इन सभी क्वेश्चन का मैं आंसर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें और जितना अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अगर आप वहाँ मुझे DM करेंगे तो मैं पर्सनली आपका रिप्लाई कर दूंगा। गाइज, आप सभी को पता है राजस्थान यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर जारी हो गया है। एकेडमिक कैलेंडर जो जारी हुआ है 2020-21 का, उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं कि कब आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं, कब UG फर्स्ट ईयर की एग्जाम होगी, कब UG सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की एग्जाम होगी, उसके बाद PG की एग्जाम कब होगी और कब से आपके रिजल्ट जारी होंगे। तो कुछ दिनों पहले ही, यानी 2-3 दिन पहले ही आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ है, तभी से सभी स्टूडेंट के मन में डर बैठ गया है, भय बैठ गया है कि सर हमारे पास ओनली 2 महीने हैं और 2 महीने में हम कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें। और सिर्फ स्टूडेंट के मन में ही नहीं, सभी लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये अचानक से क्या हो गया कि आपके शेड्यूल जारी हो गया एग्जाम का और अभी तक आप कॉलेज में नहीं ओपन हुआ है, क्लासेज भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है और सिलेबस का भी कोई अता पता नहीं है। तो मतलब कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बन गया और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस पर सभी न्यूज चैनल पर भी बहुत सारी अपडेट आ रही हैं और जो हमारी काफी राजनीतिक पार्टी हैं वो भी इस पर चर्चा कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आपने स्कूल शिक्षा में भी सिलेबस को कम किया है, कटौती की है, क्योंकि स्कूल भी प्रभावित हुई है, बोर्ड क्लासेस की जो एग्जाम है उसके सिलेबस को भी कम किया गया है, तो इसी तर्ज पर हम कॉलेज शिक्षा के सिलेबस को भी कम करना चाहिए क्योंकि लगातार आपकी क्लासेस नहीं लगी हैं, लंबे समय से आपकी जो शिक्षा है वो प्रभावित हुई है। तो अब अचानक से आप एग्जाम नहीं ले सकते, आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, UG फर्स्ट ईयर के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 23 दिसंबर से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी अब आपकी एग्जाम भी होनी है। तो अब आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, 7 जनवरी तक भरे जाएंगे, उसके बाद में अतिरिक्त शुल्क के साथ में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन आपकी जो एग्जाम डेट है उससे बहुत बच्चे शॉक्ड हुए हैं कि भाई ये अचानक से एग्जाम डेट क्या आ गई। तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो है 1 मार्च, 1 मार्च को UG फर्स्ट ईयर की एग्जाम होनी है, ये एकेडमिक कैलेंडर में मेंशन है। और इसी को देख देख के बच्चे वो टेंशन में आ गए हैं और इसीलिए मेरा आज का टॉपिक है सिलेबस की टेंशन, क्योंकि एग्जाम की टेंशन होगी तो सिलेबस की भी टेंशन होगी, क्योंकि सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ओनली 2 महीने हैं। तो भाई 2 महीने में 100% सिलेबस नहीं होगा और बहुत लेंथी सिलेबस होता है, यूजी फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस बहुत लेंथी होता है, कम नहीं होता है गाइस, बिल्कुल कम नहीं होता है। 11th 12th आपको लगता है भाई 11th 12th का ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है BSc का सिलेबस या BA BCom का सिलेबस भी कम नहीं होता, काफ़ी पेपर होते हैं। तो आपके जो मेन पेपर होते हैं UG फर्स्ट ईयर में वो 9 पेपर होते हैं, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग, सभी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। वहीं आपके जो कंपलसरी पेपर है वो आपके हिंदी इंग्लिश हो गए अगर आप नॉन कॉलेजेड स्टूडेंट हैं या प्राइवेट स्टूडेंट हैं, और अगर आप रेगुलर हैं तो आपके कंप्यूटर और आपका पर्यावरण का अध्ययन भी आपके सब्जेक्ट आता है, यानी इसका भी आपका पेपर होता है। तो 4 पेपर तो आपके एक्स्ट्रा हो गए और 9 पेपर के समथिंग आपके मेन पेपर होते हैं सब्जेक्ट के। तो काफ़ी ज़्यादा पेपर है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम है, सिलेबस भी बहुत लेंदी है, तो मार्च तक हम कैसे कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है स्टूडेंट की। तो कॉलेज सिलेबस पर असमंजस अभी तक असमंजस है। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का बयान सामने आया है कि हम सिलेबस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर चर्चाएं चल रही हैं अभी। राज्य सरकार और कॉलेज आयुक्तालय जयपुर भी निर्णय लेगा कि आपका सिलेबस कम होगा नहीं होगा। हम लगातार संपर्क में बने हुए हैं आपके UGC से, MHRD डिपार्टमेंट से, और वहां से सलाह मशवरा किया जाएगा और वहां से जो निर्णय आएगा, फाइनली जो निर्णय आएगा वो आपका UGC और MHRD डिपार्टमेंट से आएगा कि कॉलेज का सिलेबस कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सभी अभी कवायद शुरू हो गई है सिलेबस को कम करने को लेकर, तो सिलेबस कम किया जा रहा है आपका डेफिनेटली। कब तक करें इंतजार बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो कब तक इंतजार करें, इतना लंबे समय हो गया है। मतलब कि स्कूल शिक्षा में आपने बहुत पहले ही जो है सिलेबस घोषित कर दिया, लेकिन हमारा सिलेबस कब आएगा, कॉलेज के विद्यार्थी बोल रहे हैं सर हमारा सिलेबस कब आएगा, भाई हमारा सिलेबस कब अपग्रेड करोगे और कितना प्रतिशत हमें पढ़ना है, क्योंकि अब तो हमारे एग्जाम फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, काफी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और वो खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इसके अलावा अब बुक्स भी खरीद लिए, उन्हें सब चीज़ परचेज कर ली है, तो अब वो सोच रहे हैं कि यार हम
पढ़े तो क्या पढ़े, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। कैसे क्रिएट हो गया है, क्योंकि उनको लग रहा है यार दो महीने हैं, दो महीने में पूरा सिलेबस तो कंप्लीट होगा नहीं, और बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कोई इमारती नहीं है कि दो महीने में 100% सिलेबस को कंप्लीट कर दे, क्योंकि बीएससी के जो स्टूडेंट हैं, जैसे मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, बहुत टफ सब्जेक्ट होती है, वहीं फिजिक्स भी अपने आप में बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, तो ये साइंस की सब्जेक्ट जो होती हैं या कॉमर्स आर्ट्स की सब्जेक्ट भी कम नहीं होती हैं, इनका सिलेबस भी बहुत लेंथी होता है गाइज। तो अब सभी को इंतजार है कि कब तक आपका जारी होगा सिलेबस, कितना प्रतिशत कम होगा, कितना रिड्यूस किया जाएगा, कितना नहीं किया जाएगा, और कब तक जारी होगा, तो इसका सभी को इंतजार है। और शायद बहुत जल्दी इस पर अपडेट आने वाली है। अभी सब जगह चर्चाएं हो रही है, इस मुद्दे को उठाओ और इस पर चर्चा करो, क्योंकि ये बहुत विशेष मुद्दा है। सिलेबस मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। वहीं कितनी करें पढ़ाई, अब जब सिलेबस का ही अता पता नहीं है तो पढ़ाई का तो कोई सेंस नहीं है कि हमें कितना परसेंट पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हैं कि यार हमें 9 पेपर की पढ़ाई करनी है तो इस तरह से करनी है। लास्ट ईयर का जो पैटर्न था वो हमेशा रहता था, 5 यूनिट आनी है, 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 करने। तो अब इस बार पैटर्न में भी बदलाव हो सकता है, और इसी का भी कन्फ्यूजन है। क्यों है वो, इसलिए है क्योंकि अभी जो वापस से जो एग्जाम हुई थी फाइनल ईयर की, उनका पैटर्न थोड़ा बदल दिया था कोविड-19 के चलते। तो क्या अब भी कौन सा पैटर्न होगा, अब दो पैटर्न हो गए, एक तो कोविड-19 के बाद जो एग्जाम हुई थी और एक उससे पहले जो हुई थी, तो ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि कितनी करे पढ़ाई इसको जस्टिफाई करता है ये वाला टॉपिक। पेपर पैटर्न पता नहीं है हमें, सिलेबस का पता नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाई करें, कितनी पढ़ाई करें, यह भी हमें पता नहीं है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं क्या करें क्या ना करें, अब ऐसी सिचुएशन बन गई है कि भाई क्या करें क्या ना करें, कैसे पढ़ें, कहां पढ़ें, किस चीज से पढ़ें, कितना पढ़ें, ये बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं सभी स्टूडेंट के। लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर हम क्या पढ़ें, सर हम मतलब कि एक महीने में कैसे पढ़ सकते हैं, सर हम 90% कैसे बना सकते हैं, 80 कैसे बना सकते हैं, सर हमें पास होने के लिए सीरीज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो मैं बच्चों सभी को ये बोलूँगा, आप थोड़ा इंतजार करें, जब आपने इतना इंतजार किया है तो आप थोड़ा सा इंतजार करें। अभी आप बिल्कुल पीसफुल होकर, बिल्कुल शांत होकर अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास लेते रहें, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद नोट्स बना रहे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी करें, बिल्कुल नोट्स बनाएं, प्रॉपर तरीके से पढ़ें। और मैंने आपको कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया है कि आप किस तरीके से कॉलेज शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज आप कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप बिल्कुल जाके देखें उस वीडियो में, कि मैंने काफी सारी चीजें बताई हैं कि आपको सोल्ड पेपर सोल्व करने हैं, लास्ट ईयर के जो आपके सोल्ड पेपर हैं या अनसोल्ड क्वेश्चंस हैं उनको आपको सोल्व करना है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी यूनिट में कौन सा क्वेश्चन आता है। मैंने एक बहुत शानदार तरीका भी बताया था कि अगर आपके पास में 5 यूनिट है और एक यूनिट में 2 चैप्टर हैं, तो उसमें से आप एक चूज करें और उसी को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और उस यूनिट में से आप उस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर दोगे तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत शानदार तरीका है। तो यानी आपके 20 चैप्टर है तो आप ओनली 10 चैप्टर पढ़ पाओगे, समय के हिसाब से भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि समय भी कम है और चैप्टर भी आप सिलेक्टिव पढ़ोगे तो आप समय पे सिलेबस को कंप्लीट कर दोगे। राजस्थान के आपके उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बहुत जल्दी ये फैसला लेंगे, वो संपर्क बनाए रख रहे हैं MHRD से और UGC से कि बहुत जल्दी आपका सिलेबस कम हो, क्योंकि काफी बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिलेबस के रिगार्डिंग, और अब आपकी डेट भी आ गई है एग्जाम की कि आपके मार्च में एग्जाम होनी है, तो अब सिलेबस को बिल्कुल जल्दी से जल्दी रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए और बताया जाए कि ये आपका सिलेबस है, इतना आपको पढ़ना है। तो बहुत जल्दी अपडेट आने वाली है, बिल्कुल मैं श्योर बोल सकता हूँ कि सिलेबस बिल्कुल कम होगा, और मैं हमेशा बोल रहा था कि सिलेबस कम होगा क्योंकि समय ही नहीं है, समय कम है तो सिलेबस भी बिल्कुल कम होगा, क्योंकि कॉलेज शिक्षा का सिलेबस भी कम नहीं होता गाइस, बिल्कुल कम नहीं होता। जिस प्रकार से स्कूल का सिलेबस कम किया है उसी प्रकार से कॉलेज का जो सिलेबस है वो भी कम करना होगा। तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो खत्म होने वाला है और बहुत जल्दी आपका सिलेबस आ जाएगा। अगर सिलेबस में कटौती नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, तो हो सकता है पेपर पैटर्न में बदलाव किए जाए जिससे कि आपको वो आसान बनाया जाए, यानी इस तरीके से पेपर पैटर्न में बदलाव किए जाए कि वो आपके लिए बहुत आसान हो जाए, बहुत सरल हो जाए। क्योंकि स्कूल शिक्षा में आप देखेंगे सिलेबस तो कम किया है, साथ में पैटर्न भी बदल दिया है और बहुत इजी करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि इस सत्र में सब बच्चे पास हो जाएं और किसी को भी हार्ड नहीं लगे पैटर्न, या आपका जो पेपर आएगा वो हार्ड नहीं लगे, इसलिए सारी चीजें की जा रही है। तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस आ जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल नहीं करें। मेरा वीडियो को जो टाइटल था कि सिलेबस की टेंशन, ये बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बहुत जल्दी घोषित कर देंगे आपका जो सिलेबस है, और बातें हो रही हैं, आगे तक बात पहुंच चुकी है, मुद्दा उठ चुका है और बहुत जल्दी आपका सिलेबस आ जाएगा। अगर कोई अपडेट आती है तो अपकमिंग अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।